तो आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा विदाउट मोनेटाइजेशन पैसा कमाया जा सकता है, कैसे 1000 से कम सब्सक्राइबर होने पर भी आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, गले में थोड़ा सा मसला है, इस वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आई एम सॉरी। मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी लग रही होगी आपको, बट मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, कुछ मसले हैं, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा लो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी बात रहेगी वो मैं प्रैक्टिकल करूँगा। कितने लोगों के ये क्वेश्चन रहे होंगे कि क्या सच में मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, या चैनल तो मैं स्टार्ट कर दूंगा बट काफ़ी वक्त तक मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, मैं कैसे कमाऊँगा एंड डिमोटिवेट होऊंगा, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में। आई नो, तीन टिप्स बताऊंगा, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट आता है अफिलिएट मार्केटिंग। अब कितने लोगों को नहीं पता होगा अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और कितनों को पता होगा, देखिए सिंपल सा वे बताता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग है क्या और कैसे करते हैं, मैंने कैसे करी वो बताता हूँ। जैसे हम समझ लेते हैं एक्स वाई जेड से, एक्स बंदा है जिसका कोई प्रोडक्ट है, आप वाई हो और आप जेड को बेचना चाह रहे हो। अब आपने एक्स से वो प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, आपको वो एक्स से वो प्रोडक्ट का लिंक लेना है, आपको जेड को सेल करना है, जो भी आप सेल करोगे उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको उस बंदे से मिल जाएगा, तो अफिलिएट मार्केटिंग ये होती है। अब अफिलिएट मार्केटिंग मैं कैसे करता हूँ, जैसे कि आप वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर तो आप उसमें लिंक शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ या जिस जिसके लिंक्स मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, वो सब डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके चेक कर लो, अगर आपको भी बाय करना है तो आप कर सकते हो, इसमें आपका पैसा नहीं जा रहा है, सामने वाला कमीशन दे रहा है। अब रही बात कि अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे बेस्ट तरीका है आप अमेज़न का यूज कर सकते हैं। अमेज़न 1 से लेकर 12% तक या ज़्यादा भी कमीशन देता है। अगर सपोज कर लीजिए आपने 1,00,000 का अमेज़न की सेल करवाई तो 10% कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? 10% मतलब आपने सिर्फ एक सेल के अंदर 10,000 रुपए कमा लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ऐसे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप लिंक शेयर कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, मैं भी काफी करता हूँ अगर आपने चेक करा हो तो। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको कोई ना कोई स्किल्स तो बहुत अच्छी आती होगी, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, फोटो एडिटिंग हो सकती है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होंगी जो आपको आती है, तो अपनी सर्विसेज सेल करिए। सर्विसेज में आप क्या सेल कर सकते हैं, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं तो मैं उसके लिए फ्रीलांसिंग करता हूं। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या सेल कर सकते हैं तो फाइवर पे जाके आप, बहुत सारी नीश है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज आपको बेस्ट आती है, अगर नहीं आती है तो आप उस सर्विसेज को कैसे सीख सकते हैं। देखिए मेरे सजेशन यही है, जीरो से सीखना, फ्री में सीखना, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज आप सीख सकते हैं, मैंने भी जीरो से स्टार्ट करा था, हालांकि मेरे बड़े भाई ने मेरी हेल्प करी थी, वो बात अलग है। मैं स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करता हूँ और कितने सारे ब्रांड्स को मैं प्रमोट करता हूँ थ्रू गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे आप अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं होता है, अगर आप चाहें तो और कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट यही था कि आप अपनी सर्विसेज सेल करिए, नहीं आती है तो आप सीखिए, बहुत ज़रूरी है, इनकम सोर्स बहुत ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि थोड़ा सा हार्ड होने वाला है बट काम करता है, मेरे लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी करेगा। ब्रांड स्पॉन्सरशिप, अब सुनने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, हर कोई करता फिरता है स्पॉन्सरशिप, बट इतना ईजी नहीं है डूड, सच बता रहा हूँ। कोई भी ब्रांड आपको ऐसे ही पहले पैसा नहीं देगी, आपको उनके लिए वैल्यू दिखानी पड़ेगी, क्या सच में आपके पास ऐसा सब्सक्राइबर बेस है कि जो आपका प्रोडक्ट जो भी आप दिखाओगे लोगों को क्या वो बाय करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने शुरू से कहा था कि आप अपनी नीश चुनिए, नीश के अनुसार प्रोडक्ट को बताइए, जैसे कि आपकी नीश कुछ भी हो सकती है, फैशन रिलेटेड, कुछ भी टेक रिलेटेड। मैंने कितने सारे प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड स्पॉन्सरशिप करी है, आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर। आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ करना तो आप भी कर सकते हैं, ब्रांड स्पॉन्सरशिप बहुत ईजी है। अगर सपोज कीजिए आप ही कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को यूज करिए, उस कंपनी के बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज दीजिए, अच्छा वीडियो बनाइए, अच्छी क्वालिटी में वीडियोज बनाइए और लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छाइयाँ बताइए, बुराइयाँ बताइए और क्या उनको यूज करने में क्या फायदा वो बताइए। लोगों को उनका फायदा नहीं दिखाओगे तो वो प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे, इससे आपकी सेल्स नहीं हो पाएगी, आपको लोगों को उनका फायदा दिखाना है। आप स्पॉन्सरशिप कैसे पा सकते हैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा मेक श्योर, नहीं तो मैं अभी थोड़े टाइम बाद ही बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम में मैं बना दूंगा इस टॉपिक पर भी वीडियो,
टॉपिक अच्छा है, न्यू टॉपिक मिला। तो आज के लिए इतना ही, ये 3 पॉइंट्स हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे अदर वीडियोस से रिलेटेड, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ जाके चेकआउट करो, मैसेज करो। अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। किसी का नहीं कर पाता वो अलग बात है। और कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो फॉलो भी कर देना यार, कर देना, मैं काफ़ी मेहनत वहाँ पे भी करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, धन्यवाद। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, और लाइक कर दिया है तो कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा है या कोई सजेशंस है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस एंड लव, बाय।